आज वो शुभ दिन आ गया है और इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं रामलला के। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। मंदिर में मौजूद हैं और ये कार्यक्रम सीधे इसका प्रसारण हो रहा है और इस वक्त हम लोग इकबाल सिंह लालपुरा साहब के घर पे हैं, जहां एक भव्य आयोजन हो रहा है और जो भक्त हैं वो सब यहां पे मौजूद हैं और खुद लालपुरा साहब ने इस पूरे आयोजन को देखा है। और पीछे आप देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पे प्रधानमंत्री जी यज्ञ की आहुति के साथ बैठे हैं। लालपुरा साहब, सबसे पहले सवाल यही, 550 सालों के इंतजार के बाद आज भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद है। सभी भारतीयों के लिए ये खुशी और उत्सव का मौका है, तो हम भी यहाँ सभी लोग मिलके, सभी धर्मों के लोग, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सभी मिलके यहाँ इसको उत्सव को मना रहे हैं, देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक मौका जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये भारतीयों का सपना 500 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का स्थान गिराने का आदेश नहीं देता, आज्ञा नहीं देता, ऐसा ना इस्लाम में लिखा है। सिखों ने तो दूसरे धर्मों के धर्म स्थान, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कुछ भी बना के दिए हैं, ऐसा इतिहास है हमारा। तो ये मंदिर इतने देर गिरा दिया गया है एक विदेशी हमलावर से, जो यहाँ मर के भी नहीं रहना चाहता था, उसकी कब्र भी जो है अफगानिस्तान में बनानी पड़ी, मरा तो वो आगरे में, लेकिन उसका शरीर वहाँ पहुँचाया गया। सो हमारे लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए यह खुशी का मौका है। हम सारे लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भगवान राम पे आस्था रखते हैं, हम सभी उनकी आस्था रखते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे लिए ये खुशी का मौका है। थैंक यू। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस पे भी सियासत करते हैं, जो निमंत्रण के नाम पे जिन्होंने सियासत की, जिन्होंने यहाँ आने आनाकानी की, जिन्होंने आना स्वीकार नहीं किया? मैं तो उनको बदकिस्मत लोग कहूँगा। हाँ जी, जो आदमी भगवान राम का आशीर्वाद नहीं ले सकते, उसकी खुशी, जो दूसरे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, हर बात पर राजनीति करते हैं, वो बदकिस्मत ही हैं। ये दिल से सेवा हो रही है, हम सभी लोग, सभी धर्मों के मानने वाले दिल से आए हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ के लोग ना हो, तो इसको खुशी का मौका है। और जो इस पे भी राजनीति करे, हम नहीं जाएंगे, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सभी मुसलमान भाई बैठे हैं, सब खुशी से आ रहे हैं, सब सिख बैठे हैं, सब जैन बैठे हैं, बौद्ध बैठे हैं, पारसी बैठे हैं, तो सारा भारत जो है इस यूनिटी को सेलिब्रेट करना चाहता है। हमारा देश ही है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पहले आपसे पूछूंगा, फिर लोगों से भी बात करूंगा, कि इतने सालों का इंतजार, हालांकि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जैसे कि पीछे भी चल रहा है, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? आज का जो दिन आया है उसके लिए किसको आप श्रेय देना? देखो, भगवान राम की कृपा हुई तो उन्होंने अपनी कृपा करके अपना काम नरेंद्र मोदी जी से करवा लिया, तो मेहरबानी तो भगवान की है, भगवान राम की मेहरबानी है। वो जिसके सर पे हाथ रखता है, आज उसने मोदी जी के सर पे हाथ रखा है, योगी जी के सिर पे हाथ रखा है, तो भगवान राम का धन्यवाद। धन्यवाद। तो इकबाल सिंह लालपुरा साहब का, और लोगों से बात करेंगे, आप बताएंगे इतना भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है, लालपुरा साहब ने किया जी, किस तरह से आप देखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी चल रहा है अयोध्या में? ये जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो अयोध्या में चल रहा है, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर इस टाइम पर जिस वक्त में ये हो रहा है, राम जी की कृपा से नरेंद्र मोदी जी को निमित्त बनाया, और जितने सालों का संघर्ष था, ये एक दिन का संघर्ष तो है नहीं, और इसको जो है
मैं भी स्वयं राम जन्मभूमि न्यास का ट्रस्टी रहा हूँ 13 वर्ष तक, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा हूँ, 3-3 धर्म संसदें उनको हमारे निवास स्थान पर हुई हैं। उन सब के बावजूद आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, मौजूद हैं और उस कार्यक्रम को विटनेस कर रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि हम भी वहाँ पर हैं। साढ़े 500 साल वर्ष के बाद ये क्षण हम देखने जा रहे हैं और हम ही क्या, पूरा विश्व इसे देख रहा है। हमारे यहाँ तो आज एक उत्सव, जैसे किसी घर में शादी होती है, ऐसे ही हमारे देश में आज भगवान राम आए हैं और उस उत्सव को हम पूरा देश मना रहा है। बाहर भी इतनी महिलाएं हनुमान चालीसा कर रही हैं, उत्सव मना रही हैं, तो ये हम हमारे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। एक गाना आजकल बहुत प्रचलित है, राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे, वो इसलिए कि 550 साल राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सर आप बताइए किस तरह से देखते हैं आज के दिन? एज ए सिटीजन ऑफ भारत आई फील भारत इज द ओनली कंट्री वेर इन ऑल द रिलीजन्स आर लाइक फ्लावर्स एंड सब फ्लावर्स मिल के गुलदस्ता हो गया है। इनफैक्ट राम वॉज ए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी विच इज एक्सेप्टेड बाई ऑल द रिलीजन्स, बट हैवर आई पर्सनली फील इट वॉज ए मिसफॉर्चुनेट थिंग दैट फॉर द स्टेटस ऑफ द रामा एंड राम मंदिर वी रिक्वायर्ड टू फाइट आउट ए लिटिगेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अप टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 496 ईयर्स एंड दिस द मोस्ट ऑफ। बट इवन फर्दर थिंग इज दैट वी कैन नोट दैट इवन आफ्टर ए जुडिशियस ऑर्डर बाय द एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सम ऑफ द पीपल हु कैन सेड बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल अगेन दे आर क्रिएटिंग सम कॉन्ट्रावर्सी एंड वाई नाउ ओनली द जजमेंट इज पास्ड वाई नाउ सो फार इट वॉज नॉट पास्ड। वो घड़ी नज़दीक आ गई है और जिस तरह से आप देख सकते हैं एक बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और ये जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या में चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री आपको इस बड़े स्क्रीन पे नज़र आएंगे और साफ तौर से ये प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ तो अयोध्या में चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में इकबाल सिंह लालपुरा के घर पे तमाम धर्मों के लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।